स्मार्टफोन्स में ऑटो रोटेशन का एक ऑप्शन होता है जिसे ज्यादातर लोग ऑन ही रखते हैं ताकि YouTube पे वीडियो देखते टाइम जब आप मोबाइल को रोटेट करें तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ही रोटेट हो जाए, उसे रोटेट करना ना पड़े। लेकिन क्या आपको पता है कि यही ऑप्शन आपके मोबाइल की बैटरी को खाता है? जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप ऑटो रोटेशन के ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो उसके साथ साथ एक स्पेशल सेंसर एक्सेलरेटोमीटर भी ऑन ही रह जाता है जो कि पीछे से आपकी बैटरी को कंज्यूम करता रहता है। इसीलिए जब जरूरत हो तभी आप ऑटो रोटेशन के ऑप्शन को इनेबल करें, अदरवाइज इसे डिसेबल ही रखें, आपकी बैटरी बचेगी। आपको ये टेक फैक्ट कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। हमारी धरती के ज्यादातर हिस्सों में पानी है लेकिन पीने का पानी ना के बराबर है, और अब जो बचा है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, और उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इंसान खुद। लेकिन 85 साल के आबिद सूरती बाकी इंसानों से अलग हैं, क्योंकि वो पिछले 12 सालों से पीने के पानी की एक एक बूंद को बचाने में लगे हैं। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। उनके पास प्लम्बिंग का सारा सामान है और वो ये सामान लेके मुंबई में गलियों में घूमते रहते हैं। उन्हें जब भी कोई नल लीक करता दिखता है तो या तो वो उसे ठीक कर देते हैं या वो उसे बदल देते हैं। इसी तरह से उन्होंने पिछले 12 सालों में करोड़ों लीटर पानी बचाया है, और यही वजह है जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित भी किया है। गाइज, आपको आबिद सूरती की ये पहल कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में।